हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आयुषा भी मेरी तरह एकदम बढ़िया होंगे। मैं हूं अंकिता, स्वागत है आपका आज के न्यू ब्लॉग में। चले करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और टफी भी आपको गुड मॉर्निंग कह रहा है। टफी गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो टफी। तो चलो देखते हैं यहाँ क्या क्या हो रहा है। निक्की तैयार हो रही है दुकान के लिए और मम्मी साफ सफाई कर रही है। और नाश्ता कौन बनाएगा? मैं टफी के साथ घूम रही हूँ। अभी मैं टफी को थोड़ी देर में नहलाऊंगी, फिर तैयार होंगी, फिर ऑफिस जाएंगे। सभी हम जाएंगे सब्जी निकालने के लिए खेत में, तो हम यहाँ से जाएंगे क्योंकि वहां पे गेट पे गोलू ने ताला लगा रखा है। रास्ता तोड़ दिया तूने रास्ता। सभी हम जाएंगे सब्जी निकालने के लिए खेत में और टफी भी आ रहा है हमारे साथ। टफी आ जा, ये देख, जा यहाँ से जा। ये हमारा डॉगू है, ये मम्मी के साथ सब्जी निकालने आ रखा है। मम्मी से सब्जी खा दी, वादे टफी ने सब्जी खा दी। मिर्च खाएगा? मिर्च अभी हुई नहीं है मिर्च वैसे। उधर वो गई नहीं, वहीं पे खड़ी हो रही। ये गोभी के निकाल के दे जो अजीब से हो रखा, वो तभी खड़ा हो रहा मेरे को देंगे। अबे आजा, गाय को वो देंगे, आजा ले, मेरा हाथ मत खाना। ए रुक जा, रुक जा। अरे रुक जा। सो चलिए प्रीति को हैप्पी बर्थडे विश करके आते हैं, अगर वो स्कूल नहीं गई होगी तो। और ये है बर्थडे गर्ल जो कि पतले के पीछे छुपी हुई है। आज ये अभी केक बना रही है शाम के लिए। तो चलिए पहले हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये भी अब बुढ़ी हो गई है, उस लिस्ट में ये भी शामिल हो गई है अब। तो बताइए आज क्या क्या है पार्टी में शाम को, बता नहीं सकती। और आज तो मैं भी जल्दी घर आ जाऊंगी क्योंकि आज तो हम पार्टी में रहेंगे। ये देखो प्रीति लोग क्या, कितनी छोटी सी रॉड है। इतनी छोटी रॉड तो मैंने पहली बार ही देखी। बड़ी रॉड थी, उसका छोटा बच्चा है। पता नहीं कहाँ से लेके आती है ऐसी ऐसी चीजें। अभी शाम के 6 बज गए और मैं पहुंच गई प्रीति के यहाँ। और मैं जा रही हूँ, जब मैं गई थी फील्ड, वहां से मेरे को फोन करके बोल रही है कि कब आ रही है, कब आ रही है, मुझसे गुब्बारे नहीं चिपक रहे हैं। हद है इससे, हद है, हद है, हद। मतलब एक गुब्बारा चिपकाने के लिए भी इसको अलग से इंसान चाहिए। इंसान चाहे जहीं भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, इंसान ही चाहिए होते काम करने के लिए। जानवरों की जरूरत नहीं थी मेरे को। ये देखो इसका डेकोरेशन, ये है बस, ये बस। चार गुब्बारे यहाँ हैं, चार गुब्बारे यहाँ हैं, बाकी फुला के यहाँ रखे हुए हैं। चिपकाएगा कौन? तू किसने आ रखी है? मैं तो कर ही रही हूँ ना, मैं तो चिपका ही रही हूँ। अपने बर्थडे का डेकोरेशन तो मैंने खुद किया था। तेरी तरह नहीं जो दूसरों को फोन करके बोले जल्दी आओ जल्दी आओ, मेरे गुब्बारे गुब्बारे नीचे पक रहे। तो मैं तो अभी आई रही हूँ, मैं अभी घर भी नहीं गई, अभी सीधा मैं सीधा आके मैं यही आई हूँ। अभी को घर नहीं जाने दे रही है, कैसी है? इसी ने बाल तो पैरों से ऐसे लगी रहा। मैं स्केटिंग कर रही हूँ ऐसी। सारी कुत्ती, अगर एक गंदा हुआ ना तो मैं।
सेशन पूरी हो गई है और बर्थडे गर्ल पता नहीं कहाँ चली गई है, आई नहीं रही तब तक तो ये सारे और ये गुब्बारे भी निकलने लग गए हैं धीरे धीरे करके, पता नहीं कहाँ रह गई है, कहा अभी आती हूँ उसके बाद आई नहीं। तो ये रहा आज का हमारा केक और इस पे अभी हम कैंडल लगाएंगे। हमारी बर्थडे गर्ल तैयार हो गई है, कहाँ गई मेरे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू आपको, इसको नहीं बोल तो मैं रही हूँ ना, विश तो मैं कर रही हूँ ना, बात नहीं करूँगी। तो यहाँ पे हमारे बर्थडे गर्ल कैंडल जलाते हुए और लोगों को बुलाते हुए कि जल्दी आओ केक कटने वाला है, और यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सब आते हुए, हाँ इससे बोला था मैं नहीं आऊंगी, क्यों आई, अरे मैंने कहा ये है तब है, ऐसा बोल जल्दी आओ, देखो अच्छे से निकालने चाहिए, तो मैं जवान हूँ और क्या, तो बर्थडे सेलिब्रेशन कंप्लीट हो गया है और सब अपने घर चले गए हैं और मैं भी यही हूँ, मैं आज खाना खा के जाऊंगी, मैंने कहा सब घर चले गए मैं आज खाना खा के जाऊंगी, तो बताइए आज क्या खिला रहे हैं आज अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो दोस्तों ये है आलू, आज हम बनाएंगे इसके और आलू की सब्जी। आलू नहीं खाना, मैं खुद आलू जैसी हूँ, देखा परसों से मिल्क भी। और यहाँ पे अप्पू आ रखी है ट्यूशन पढ़ने, अप्पू अप्पू क्या पढ़ रही है, क्या लिख रही है, क्या लिख रही है, क्या दिया निकी ने काम, एबीसीडी सुना तो देख, सब कह रहे कितनी अच्छी बच्ची है, एबीसीडी सुना तो नहीं आता इसको ना, कुछ नहीं आता, ये देखो अप्पू ने लिखा है आ आ ई ई उ ऊ, आगे आगे बोल, समय तो ऐसे चुप बनी है एकदम सीधी सी, कितनी अच्छी लड़की है, जो बोलती है ना तो फिर तो उसकी मम्मी भी डर जाती है। यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे।